प्लस एंड आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट ऑफर्स चल रहे हैं आइकॉनिक में आप देख सकते हैं यू आर गोइंग टू गेट पर्सनल कोच वन एस टू वन लाइव मेंटरशिप मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस स्टडी प्लानर ओपन हाउस विद एजुकेटर्स एंड इन आइकॉनिक 18 मंथ्स कॉम्बो पैक यू आर गोइंग टू गेट फ्लैट ट्वेंटी ऑफ प्लस टेन ऑफ यूजिंग द यूजिंग द एजुकेटर कोड दैट इज़ अनुराग तो अनुराग आप यूज की जाए द रेफरल कोड वहाँ पे अप्लाई कीजिए आपको लगभग थर्टी एट थाउजेंड का डिस्काउंट लगभग मिल जाएगा ओवर द एटीन मंथ साइकनिक कॉम्बो जो दो हजार तेईस की तैयारी कर है रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा ऑफर ये एंड अन एकेडमी लाइट प्रिलेम्स एंड सी सैड टेस्ट सीरीज दिस दिस इज द न्यू सब्सक्रिप्शन ऑफर कमिंग अप आउट हीयर

ज आर कमिंग अप एंड स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज एंड फ्री मेगाज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी वन अपन दिन अकेडमी ऐप एंड दिस इज माई प्रोफाइल लिंक अनुराग आई एम ए सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए फॉर द बेस्ट स्पेशल फ्री क्लासेज अप ऑन दिन अकेडमी ऐप तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज तीन मार्च है और हर न्यूज को हम लोग दो परस्पेक्टिव से देखेंगे As all of you know, decode interlink approach. In fact, this is decoding the news and interlinking it in the various parts of the syllabus uh, to ha to have a, a grasp over the syllabus. Plus mains के लिए कुछ मटेरियल निकालते हैं हम लोग इससे जिससे कि 20-30 वर्ड्स ऐडअप करके आंसर राइटिंग में और plus one plus two मार्क्स मिल जाए मेंस में ठीक है. So this is called as value addition in the answer writing. Yes, and three sixty degree approaches for the prelims.

सबसे पहले एक मार्च के न्यूज सिनॉपसिस एक मार्च का जो न्यूज था कल का एक रिवीज़न हो जाए न्यूज सिनॉपसिस हो जाए लेट्स सी फर्स्ट न्यूज विच केम अपडी वॉज फ्रॉम इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में न्यूज आया दैट एक वेल्थ रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसमें कि दिस हाई नेट टू वर्थ इंडिविजुअल्स का संख्या बढ़ गया इंडिया में इन शॉर्ट इनइक्वालिटी का वो केस स्टडी था इन इक्वालिटी ये देखिए कोविड के समय सब कोई कह रहा है दैट रिच हैिच पुअर हैव बिकम पुअर कोविड हैज़ जस्ट एक्सेंचुएटेड द डिवाइड इन द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड यस तो इन इक्वालिटी का केस स्टडी दैट रिपोर्ट यू कैन कोट इट अगर कोई इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी पे कुछ भी आया सवाल तो आप कोट कर सकते हैं एंड सेकेंड पॉइंट एंड ओके यस सेकेंड सेकेंड मार्च का है यस आई फॉर गॉट सेकेंड मार्च का है न्यूजिस अमरीली सॉरी ठीक है सेकेंड पॉइंट देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक सो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक कॉन्ट्रोवर्सी में आया क्योंकि वहां पर द लोकल लोकल्स हुर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन एशिया ठीक है तो यहां से माइनिंग कोल माइनिंग हो सकती है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है दैट फॉरेस्टेड लैंड है वो तो सरकारी है बट देर इज देर आर ट्राइबल्स लिविंग इन द रेस्ट ऑफ द एरिया एंड ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का ये टॉपिक है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स एंड सोशोलॉजी स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू कोट दिस के स्टडी इन माइनिंग प्रोजेक्ट वर्सेज ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रिलेम्स के लिए देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक सेकेंड लार्जेस्ट एशिया में लार्जेस्ट आपको पता ही है सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में लार्जेस्ट आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का कोल ब्लॉक है ठीक है नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स आफ्टर दिस तो प्रेलिम्स के लिए भी हो गया ये न्यूज़ एंड मेंस के लिए एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी का भी ये टॉपिक है नेक्स्ट वी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे ऐसे कन्वेंशन सामने आ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि हमें पढ़ना पड़ेगा सिलेबस बढ़ गया यूक्रेन के वॉर के कारण तो ये देखिए तुर्की तुर्की दिस तुर्किश, तुर्किश स्टेट्स को लेकर न्यूज़ आया है एंड द न्यूज वॉज अबाउट अ कन्वेंशन ठीक है द न्यूज वॉज अबाउट कन्वेंशन द मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन ऑन द स्टेट्स ये देखिए मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन क्या तुर्की रोक सकता है शिप्स को न्यूक्लियर सॉरी वॉरशिप्स को या नहीं उसके ऊपर डिटेल्स देखे प्रिलिम्स के लिए मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन क्या है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ऑल्सो तु, तुर्की को क्या कोई पावर है इसमें रशियन वॉरशिप रोकने का या नहीं देख लीजिएगा आई डॉट इट य स्टडी स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट रेफ्यूजी क्राइसिस इज जस्ट इंक्रीजिंग इन द यूरोपियन बेल्ट एंड यूरोपियन यूनियन के लिए एक बड़ा चैलेंज रेफ्यूजी क्राइसिस यूरोपियन यूनियन पे मैं एक सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूरोपियन यूनियन के प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड यस दिस द क्वेश्चन कैन कम अप, दिस चेंजिंग वर्ल्ड में प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस यूरोपियन यूनियन के लिए आई होप यू एग्री यूरोपियन यूनियन इज फेसिंग मच चैलेंजेस इन द पास्ट वन डिकेट एंड पास्ट पांच साल में तो वर्ल्ड ऐसे चेंज कर रहा है पता ही नहीं चला कि ऐसे विश्व बदलेगा या ऐसी परेशानियां आएंगी जीवन में ठीक है नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड यूएस लेड ग्रुप डिसाइड किए हैं 60 मिलियन बैरल्स ऑयल रिलीज करने के लिए जस्ट टू जस्ट टू सबसाइड द इन्फ्लेशन इन क्रूड ऑयल 60 मिलियन बैरल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स लीटर आपको पता है ये मेजरमेंट का यूनिट है ठीक है ठीक है मेजरमेंट का यूनिट है सिक्सटी मिलियन बैरल्स बैरल मार्केट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड यूएस एंड इंडिया इज एसोसिएट मेंबर ऑफ आई आपको मैंने ये बताया था ये देखिए नेक्स्ट सिक्स नंबर पॉइंट स्टूडेंट्स आफ्टर दिस सुनाल का न्यूज आया सुएस कनाल अब ऐसे ही दाम बढ़ रहे हैं सारी चीजों के विषयों में अब कुछ कम रह गया था तो वो सुज कनाल पूरा कर देगा सुयज कनाल इज अंडर इजिप्शियन इजिप्शियन सोवरेनिटी एंड इजिप्ट इज गोइंग टू टेक अप द प्राइसेस ऑफ अप्रू सुज कनाल बाई टेन परसेंट हाइक इन द प्राइसेस ये देखिए टेन परसेंट हाइक इन द प्राइसेज दस का हाइक एंड सुएज कनाल देखिए कितना ईजी याद करने के सुएस कनाल ऑल्सो अकाउंट्स फॉर टेन ऑफ ग्लोबल ट्रैफिक ये देखिए दोनों टेन

स्टॉक इन साइड द सुएस कैनाल क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स और इससे इंडिया को सबसे ज्यादा असर पड़ा था इंडिया इज द कंट्री हैविंग लार्जेस्ट इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड थ्रू द सुएस कैनाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट किए थे स्टूडेंट्स इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया बुश फायर थे दो में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट uh, दिख रहा है हमें फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट वी शिफ्टेड टूवर्ड्स यू एस ऑफिशियस इन ताइवान नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट किए इंडियन इकनॉमी में दिस कोल्ड स्टॉक्स डाउन टू क्रिटिकल लेवल कोल्ड स्टॉक्स फिर से नीचे जाने शुरू हो गए क्रिटिकल लेवल्स पहुंच गए थर्मल पावर प्लांट्स में क्या ये अक्टूबर में यही हुआ था टेलमी स्टूडेंट्स अक्टूबर ऑल्सो दिस जस्ट मंथ्स बैक आर आर चैलेंजेस कमिंग अप टू द इंडियन इकोनॉमी एंड दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस कोल स्टॉक कोल में इंडिया आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा था एक साल के अंदर लेकिन फिर से परेशानी आनी शुरू हो गई है नेक्स्ट टेंथ पॉइंट है स्टूडेंट्स बासमती राइस एक्सपोर्ट्स हम लोगों ने देखा कल बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में याद रखिए सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स बासमती राइस के होते हैं गल्फ कंट्रीज़ में खाड़ी देश में सऊदी अरब यू आई फॉलोड बाई यूरोपियन यूनियन दैट दैट इज़ इट ठीक है बासमती राइस हाई क्वालिटी राइस ठीक है एंड नेक्स्ट आई गेव यू अ होमवर्क ऑफ इंडो आसियान ट्रेड एग्रीमेंट एंड इंपैक्ट एंड इंपैक्ट ऑन इंडिया इंडिया यूएस इंडिया मैंने होमवर्क दिया था मोन्ट्रेक्स कन्वेंशन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंपॉर्टेंट सुज कैनल इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा एंड नेक्स्ट बासमती राइस के वराइटीज जो थे वो इंपॉर्टेंट ठीक है इतना काफी है प्रेलिम्स के लिए यस yes, एंड देवचा पचमी कोल ब्लॉक दैट इज इंपॉर्टेंट लोकेशन जबकि मेंस के लिए मेंस के लिए दिस यू कैन सी इट हियर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट इन का केस स्टडी इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन के चैलेंजेस इंपॉर्टेंट ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इंडिया आसियान एंड इंडिया यू आई इंपॉर्टेंट दैट्स इट चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज देखते हैं आज uh, मार्च जीएस पेपर वन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशियंट एंडिकल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कोई न्यूज है कोई न्यूज नहीं है जीएस पेपर वन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज कोई भी न्यूज है कोई न्यूज न्यूज नहीं जीएस पेपर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी है कैन अ पर्सन रिफ्यूज कोविड वैक्सीन सुप्रीम कोर्ट सिक्स गवर्नमेंट व्यू सो द फेमस एडवोकेट मिस्टर प्रशांत भूषण हैज फाइल्ड अ केस फाइल्ड पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को वॉल्टरी किया था याद है चल वॉल्टरी का मतलब क्या होता है आप पर निर्भर करता है आप वैक्सीन लेते हैं कि नहीं ऐसे आपको टेलीफोन से आपको रिंग टोन में सुनाई देगा ठीक है आपको जगह जगह टी वी पर दिखाई देगा आपको न्यूज पेपर में आएगा दैट वैक्सीन ले लीजिए वैक्सीन ले लीजिए वैक्सीन ले लीजिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए मास्क पहनी जिससे कि कोविड कोविड का वेव कोविड का वेव अगर कोविड स्प्रेड कर रहा है तो आप उस उसे रोकने में हेल्प कर सके एंड अपनी जान बस, बचा सके बट दिस सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्डर वाज़ मेड मैंडेटरी बाय मैनी स्टेट्स मैंडेटरी बाय मैनी स्टेट्स इट वाज़ मेड मैंडेटरी कि आपको लेना ही पड़ेगा वैक्सीन ये देखिए अब सवाल यह होता है कि मैंडेटरी कंपल्सरी सो दिस इज द पिटिशन एंड सुप्रीम कोर्ट इज आस्ड द व्यू पॉइंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर इज इट मैंडेटरी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा था कि अगर आप वैक्सीन नहीं लीजिएगा ध्यान दीजिए कितने स्टेट गवर्नमेंट्स अगर आप वैक्सीन नहीं लीजिएगा यू विल नॉट बी गिवन योर राइट ये देखिए राइट फंडामेंटल राइट अफेक्टेड सुनाओ मिस्टर प्रशांत भूषण हैज फाइल्ड अटीशन दैट इज इट अ पार्ट ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ठीक है क्या यह भी एक पार्ट है या नहीं है क्लैरिटी लाया जाए इस एस्पेक्ट पे फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए इट्स गिवन इन पार्ट थ्री ओनली अंडर वेरियस फंडामेंटल राइट्स सो वेदर वेदर द स्टेट स्टेट अंडर आर्टिकल ट्वेल्व आर्टिकल बारह याद है टर्मी स्टूडेंट्स इस बार आया हुआ था क्वेश्चन स्टेट का मतलब क्या आर्टिकल बारह के हिसाब से ठीक है वेदर स्टेट स्टेट के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा स्टेट गवर्नमेंट आएगा लोकल गवर्नमेंट आएगा मेनी पी एस यूज आएंगे ठीक है वेदर द स्टेट हैज द पावर हैज द पावर टू मेक इट मैंडेटरी एंड टू इन्फ्रेंज अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इफ द पर्सन डजन टेक द वैक्सीन दिस इज द क्वेश्चन विच इज लाइन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज देंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंसर दैट्स इट इस बारेस में डेफिनेशन ऑफ स्टेट आया था ये ठीक है एंड ये देखिए द कोर्ट वॉज हियरिंग प्ली अगेंस्ट मेकिंग इट मैंडेटरी द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेस डे आज द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू एडवोकेट प्रशांत भूषण इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट अ पर्सन हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू रिफ्यूज कोविड वैक्सीन एंड स्टेट्स कैन नॉट कंपेल देम टू टेक द वैक्सीन ऑन द पेन ऑफ डिनाइंग देम बेसिक राइट्स बेसिक राइट्स डिनाई करके किया जाएगा अगर वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो कितने स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा था ठीक है इन शॉर्ट इट्स अ टॉपिक ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ वर्सेस पब्लिक हेल्थ ये देखिए मिस्टर प्रशांत भूषण सिंह इट्स इंडिविजुअल हेल्थ एंड द द स्टेट गवर्नमेंट्स सेइंग इट्स अ टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर और इसके लिए आपको त्याग द सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आप इंडिविजुअल ये देखिए सो स्टिल इट्स अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग हम लोग एक लिमिटेड इंक्वायरी करेंगे कि वाकई में क्या क्या सही है परस्पेक्टिव बट स्टिल डोंट यू थिंक द कलेरिटी शुड कम आउट ओवर दिस टॉपिक येस द टॉपिक इज नॉट अबाउट टेकिंग वैक्सीन टॉपिक इज नॉट अबाउट टेकिंग अ वैक्सीन और नॉट द टॉपिक इज अबाउट वेदर इफ यू है वैक्सीन यूर फंडामेंटल राइट कैन बी इन नॉट सवाल ये खड़ा होता है सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आपका क्या आपके जो अधिकार है वो छीने जा सकते हैं इस, इस बेसिस पर कि आपने वैक्सीन नहीं लिया है और क्या रेमेडी आर्टिकल 32 के तहत अवेलेबल रहेगा कि नहीं रिट्स की रेमेडी रिटन ऑर्डर की रेमेडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही सवाल गया है वहां पर ट सी वॉट द व्यू पॉइंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स अप टू बी ठीक है द टॉपिक इज नॉट अबाउट मेकिंग इट मैंडेटरी माइंडेड द टॉपिक इज अबाउट फंडामेंटल राइट वर्सेज वैक्सीन दैट्स इट तो ये हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ आएगा आज कल में ठीक है बट स्टिल दिस मैटर इज डिबेटेबल एंड यू कैन बी आस्ट अ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट अबाउट दिस तो आपको बोलना है कि यस द टॉपिक इज नॉट अबाउट पब्लिक इंडिविजुअल हेल्थ इट्स टॉपिक इज अबाउट पब्लिक हेल्थ यस इट कैन बी मेड मैंडेटरी बट बट ठीक है अगर स्प्रेड कर रहा है इतनी तेजी से और वैक्सीन वैक्सीन लेना जरूरी है इट शुड भी मेड मैंडेटरी एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर सर्टन सर्टन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको पहले से कोई बीमारी है या बच्चे जिनको पहले से कोई बीमारी है स्पेशली ये कब गया है ये केस क्यों गया है बिकॉज मैनी चिल्ड्रेन कुछ उसमें बच्चे मायोकाडाइटिस के शिकार हो गए हैं ये प्रशांत भूषण का कहनाम है ठीक है आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन तो यस एटीन ईयर्स के ऊपर के एज ग्रुप में सबको वैक्सीन लेना जरूरी है उससे नीचे में थोड़ा सा और दिस uh, केस उसमें थोड़े से ट्रायल्स और होने चाहिए फॉर द चिल्ड्रेन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैन बी मेड मैंडेटरी फॉर पीपल अबव एटीन ईयर्स ऑफ एज येट फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी लिंक्ड टू दिस दैट्स इट ऐसा ही लिखना ऐसा ही बोलना है राइट्स को लेकर रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए पार्ट थ्री में ही आप अलग से कोई रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल नाइनटीन की बात हम कर रहे हैं ठीक है अलग से कोई रेस्ट्रिक्शन या इन्फ्रिंजमेंट आप इंजीनियर नहीं कर सकते हैं बाहर से ये बार बार कोर्ट ने होल्ड किया इस चीज को याद रखिएगा गेटिंग द पॉइंट तो दिस इज इट इट कैन बी मेड मैंडेटरी बट इट शुड नॉट बी लिंक्ड एट ऑल टू द फंडामेंटल राइट दैट्स इट ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा हुआ है ये केसेस की जजमेंट है जो मैं बता रहा हूं यहां पर that you cannot engineer a new restriction on the basis of which your rights can be infringed not at all aap naya engineer aap state hai aap engineering nahi kar sakte isme engineering ka matlab main btech B.E ki baat nahi kar raha hu engineering ka matlab aap naya ijaat nahi kar sakte restriction outside the part 3 that's it तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये edes says the debatable topic will be seeing it something coming up in the coming in the next two days let's see the next point देखिये एफ एम अनवील्स पेपरलेस बिल सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स ये देखिए गवर्नमेंट सप्लायर्स के लिए पेपरलेस ई बिलिंग कम्स अप ये देखिए इज इट टॉपिक ऑफ गवर्नेंस जर्मी इज इट टॉपिक ऑफ ई गवर्नेंस मुझे बताइए ये देखिए ई गवर्नेंस का टॉपिक है ये देखिए पेपर टू में दिया हुआ है लुक ये देखिए ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस मॉडल्स सक्सेस लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल्स ये देखिए एंड टेल मी क्या इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी यस और इसमें ब्राइबरी कम होगा करप्शन कम होगा दिस इज द कंसेप्ट कमिंग आप ये देखिए द फाइनेंस मिनिस्टर हैजिल्ड अ न्यू ई बिल फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट सप्लायर जो भी सरकार सरकारी काम के लिए जो भी चीजें जरूरत पड़ती है सप्लाई आता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से प्राइवेट कंपनी की तरफ से उन्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा अधिकारियों को करप्शन के रूप में या ब्राइब के रूप में ये देखिए डिजिटल इकोनॉमी का ये एग्जाम्पल यस ई बिलिंग का एग्जाम्पल ये देखिए ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल वेरी गुड पॉइंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे एंड यस yes, इसे गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी कहा जाएगा ना रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस ये देखिए यू कैन लिंक दिस टॉपिक ऑल्सो इन हाउ टू रिमूव करप्शन ब्राइबरी यस आप लिंक uh, कर सकते हैं इसे इससे एक और फायदा होगा पेपरलेस बिल सिस्टम पेड़ कम कटेंगे नहीं तो पहले बिलिंग ही तैयार तीन कॉपीज बिल तैयार हो रहा है ठीक है एंड दिस एंड ऑल दैट चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज एफ एस एस ए आई टू इंट्रोड्यूस हेल्थ स्टार रेटिंग फॉर पैकेज गुड्स क्या बात है आप जब जाते हैं सुपर मार्केट में तो आप पहले आप जब भी आप जाते थे दुकानों पे तो आप फ्रेश सब्जियां फ्रेश, फ्रेश फ्रूट्स खरीदते थे अब आप जाते हैं सीधे पैकेज फूड खरीदने के लिए आई होप यू एग्री विद मी हैज योर डाइट पैटर्न चेंज मी नो स्टूडेंट्स इन द पास्ट वन वीकट स्पेशलीन द पास्ट फाइव सिक्स इज यस डाइट पैटर्न एक्स चेंज मैथिवली फॉर अंडिविजुअल इंडियन सिटीजन पैकेज पैकेज सब्जियां भी मिल रही है ना कट करके तो आप वही जा कर लेते हैं भाई आलस का जमाना आ गया है ठीक है तो आइए देखते हैं पैकेज फूड्स में सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी कमी है क्वालिटी चेक क्वालिटी चेक आर लैकिंग यस कितनी बार एक्सपायरी डेट के पार भी आप कितनी चीजें लेकर आ जाते हैं yes. यस क्या उसके अंदर क्या उसके अंदर सॉल्ट शुगर एंड फैट कंटेंट ज्यादा होता है यस yes, ये देखिए अगर आपने चिप्स बिस्किट ये सब खरीदा यह देखिए <laughs> तो ये सॉल्ट शुगर एंड फैट कंटेंट ज्यादा है ठीक है लेकिन आपको पता ही नहीं है प्रिंटेड ही नहीं है कितनी जगह प्रिंटेड नहीं होता है आप आ, 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 आराम से मस्त खा रहे हैं बिस्किट चिप्स मेनीज ठीक है ब्रेड uh, सब खा रहे हैं उसका मालूम चला दो तीन साल के अंदर डायबिटीज ब्लड प्रेशर बहुत दिक्कत की बात सो डोंट यू थिंक इट शुड बी प्रिंटेड अपॉन द पैक लेट मी नो प्रिंटेड और कितना है सॉल्ट शुगर एंड फैट उसके हिसाब से क्या रेटिंग देना जरूरी है वेदर इट्स बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ और नॉट बेनिफिशियल तो है नहीं कितना खराब करेगा आपके स्वास्थ्य को क्या रेटिंग देना जरूरी है यस yes. यही रेटिंग की बात अब एफ एस एस ए आई कह रहा है लेटमी यू क्वाइट लेट हम लोग काफी लेट जगते हैं इंडिया में इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत वेस्टर्न वर्ल्ड में आज से थ्री डी बैक हुई थी जब इंडिया में पैकेज गुड्स नहीं आए थे एंड इंडिया में जब पैकेज गुड्स आए इंडिया कुड हैव गॉन फॉर दिस टाइप ऑफ हेल्थ स्टार रेटिंग सेवन एट ईयर्स बैक ओनली क्योंकि अच्छा खासा स्वास्थ्य इंपैक्ट हो चुका है यूथ का डेमोग्राफिक डिविडेंट का आई होप यू एग्री विद मी ज फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया विल सुन बी लेबल्ड विद एन ऑफिशियल हेल्थ स्टार रेटिंग एच एस आर ये देखिए हेल्थ स्टार रेटिंग इसी न्यूज को देखिए मैंने जूम किया यहां पर देखिए हेल्थ स्टार रेटिंग अ टॉप ऑफिशियल एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट द रेटिंग विल बी द फर्स्ट सच इन इंडिया अ कंट्री बर्डन विद लाइफ स्टाइल डिजीजेस डू यू एग्री इंडिया इज बर्डन विद लाइफ स्टाइल डिजीजेस ये देखिए डायबिटीज लाइफस्टाइल जो है हमारा बहुत गड़बड़ है डायबिटीज दिस ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीजेस एंड दिस बोन डिसऑर्डर सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इसमें कैंसर भी आता है यस एंड नेक्स्ट एंड इज एम्ड एट गाइडिंग द कंज्यूमर्स टू ऑप्ट फॉर हेल्दी फूड द हेल्थ स्टार रेटिंग फॉर्मेट रैंक्स ऑफ पैकेज फूड आइटम बेस्ड ऑन सॉल्ट शुगर एंड फैट कंटेंट एंड द रेटिंग विल बी प्रिंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द पैकेज इज इट नीडेड टेल मी स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए फूड के फूड के गवर्नेंस मींस फूड जो आर्टिकल्स हैं उसको लेकर जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी ये देखी दिस मूव फॉलोज रिपोर्ट बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आई एम अहमदाबाद ऑन द इंपैक्ट ऑफ फ्रंट ऑफ द पैक लेबरिंग फॉर पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोसेस्ड फूड्स में अगर सामने रेटिंग रहेगा तो उसके हिसाब से लोग खरीदना बंद करते हैं इंपैक्ट होता है लोगों पे लोग स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं लेकिन बताने वाला कोई होना चाहिए वहां पे सो दिस इज दिस इज गोइंग टू मेक अस हेल्थ कॉन्शियस एंड अगर उस पर प्रिंटेड नहीं रहता है तो वी डोंट केयर लेकिन प्रिंटेड अगर है यार ये खाने से तुम्हारा एक हफ्ते का चीनी एक साथ चला जाएगा शरीर में आप तुरंत रख दीजिएगा साइड में ये खाने से इसकी रेटिंग है पांच में एक ये खाने से तो बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत की बात है ठीक है कहीं मैं ऊपर ही ना चला जाऊं इसलिए साइड करते हैं इसको ऐसे करके आप डिसाइड कीजिएगा वहां पे यस एंड सो इट इंपैक्ट्स पर लोगों पे सर्वे हुआ देखिए ये सर्वे किया गया और वहां से ये डेटा सामने आया सो दिस एफ एस एस ए आई का बैकग्राउंड देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर established under Food Safety and Standards Act 2006, headquarters New Delhi, formed 2011. देखिए एक्ट पास किया 2006 में बना 2011 में ये बॉडी आप देखिए एंड पावर्स फ्रेमिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी ले रेटिंग द फूड आर्टिकल्स ये देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंदर एट ओल्डर एक्ट्स लालेगा ये देखिए कौन से पुराने एक्ट थे जो इसके अंदर सबसिम किए गए हैं ये नया एक्ट है ये देखिए गेटिंग द पॉइंट्स स्टूडेंट्स एफएसएसएआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट डाटा इसके फंक्शंस और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है ठीक है सो लिंक दिस टॉपिक इन हेल्थ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स डिजीजेस एंड प्रीलिम्स के लिए एफएसएसएआई आइए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस जीएस पेपर टू द फर्स्ट न्यूज़ कमिंग अप जनरल असेंबली रिब्यूक्स रशिया इंडिया एब्सटेंस अगेन विद पाक लंका एंड बांग्लादेश ये देखिए रशिया रशिया के ऊपर जनरल असेंबली में वोटिंग हुआ एंड ध्यान दीजिएगा 141 मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली वोटेड इन फेवर ऑफ रशिया शुड विद्रॉ द ट्रूप्स रशिया को जनरल असेंबली ने अल्टीमेटम दिया कुछ कर तो सकते नहीं है केवल बोल सकते हैं ठीक है कि रशिया आप विड्रॉ कर लो 141 देश कह रहे हैं विड्रॉ कर लो रशिया ने कहा अच्छा ऐसा है ये सब दुश्मन है मेरे और कितने देशों ने एब्सटेंड किया है बोला गया ऑलमोस्ट थर्टी फाइव कंट्रीज है उसमें इंडिया भी है चाइना भी है और uh, पूरा साउथ एशिया इनफैक्ट ये देखिए बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान ये देखिए ओके एंड हैव अ लुक स्टूडेंट्स ये दिस ओके इट माइट बी 2008 थाउजेंड यू एफ एस 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 आप देख लीजिएगा एक बार और ये देखिए रशिया ने कहा कि फिर कितने लोगों ने खिलाफ में वोट किया इसके ठीक है कि रशिया शुड विद्रॉ द ट्रूप फाइव कंट्रीज वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन विच फाइव कंट्रीज है लुक रशिया इट सेल्फ यस नॉर्थ कोरिया बाय डिफॉल्ट न्यू द आंसर सेकेंड नॉर्थ कोरिया थर्ड सीरिया ठीक है फोर्थ इसके अलावा दिस एरिट्री। एंड दिस uh, यही चार पांच देश जिन्होंने वोट किया खिलाफ में उसमें एरेट्री भी है सीरिया भी है नॉर्थ कोरिया भी है एंड uh, रशिया भी है आप देख लीजिएगा सो दिस वॉज मीन्स एब्सटेंड किया अच्छे खासे कंट्रीज ने और सारे कंट्रीज के एप्सटेंड करने के पीछे पता है रीजन क्या है पैंतीस देशों ने एब्सटेंड किया क्या वजह है क्योंकि अपना अपना इंटरेस्ट देखना डू यू एग्री द वर्ल्ड स्लोरी मूविंग टूवर्ड्स Uh, a concept where every country is seeking its own interest yes vested interest yes we must see seek that because the superpowers are doing the same thing the independent con the countries also the in the developing country should also seek the same that's it So, the general assembly ki meeting ye the same meeting out here uh, news from the hindu why same meeting here uh, the indian express news ye pe. So, this is it uh, एंड जनरल असेंबली की मीटिंग से कुछ फायदा होता है नहीं चागोस ध्यान दीजिएगा चागोस एक आइलैंड्स है, मॉरिशियस के पास ठीक है मॉरिशियस मॉरिशियस एंड चागोस बोथ वा पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 1967 में मॉरिशियस को इंडिपेंडेंट किया ब्रिटेन ने चागोस को रख लिया अपने पास ठीक है चागोस से खदेड़ बाहर किया ब्रिटेन ने लोगों को वहां से ठीक है एंड दे वेंट टूवर्ड्स मॉरिशियस मॉरिशियस अभी तक फाइट कर रहा है कि चागोस आर्ची कलागोस जस्ट बगल में है, चागोस चागोस मेरा है आप मुझे दे दीजिए वापस तो ब्रिटेन को लेकर ये मॉरिशियस वेंट टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए वहां पे भी ब्रिटेन वाज डिफीटेड ये देखिए ब्रिटेन वाज डिफीटेड ब्रिटेन को कहा गया कि आप विड्रॉ कीजिए उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया मॉरिशियस वहां भी ब्रिटेन डिफीटेड ये देखिए ब्रिटेन वॉज डिफीटेड ब्रिटेन हार रहा है हर जगह ये देखिए हर जगह हार रहा है स्टूडेंट्स एंड लास्टली जनरल असेंबली में वोटिंग करवाया गया वहां भी ब्रिटेन वाज डिफीटेड ब्रिटेन को कहा गया दैट आप इसके बाद अभी विड्रॉ कीजिए बट ब्रिटेन ने रेफ्यूज कर दिया विड्रॉल से एंड दिस शोज द फेलियर ऑफ ग्लोबल गवर्निंग बॉडीज आई होप यू एग्री दिस शोज जनरल असेंबली की कोई हैसियत नहीं है कोई औकात नहीं है यस नो औकात नो हैसियत केवल वो कह सकता है केवल बोल सकता है केवल अल्टीमेटम दे सकता है इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज एंड ब्रिटेन इज सेटिंग लाइक ओके चागोस मेरा ही था मेरा ही रहेगा कोई कुछ बोला क्या लाइक दिस एंड दिस इज दिस इज अगेन गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ रशिया ऑल्सो तो यहां पर जनरल असेंबली की फेलियर के ऊपर आप लिख सकते हैं एक सौ इकतालीस देशों ने फेवर में वोट किया है मोर देन टू थर्ड्स स्टिल स्टिल स्पेशल मेजोरिटी स्टिल इट कैनॉट डू एनी थिंग देखिए नेक्स्ट यूक्रेनियंस कीप अप द बैटल फॉर खरसौन ये देखिए यहां पे कौन कौन सी जगहें हैं ये इसको लेकर यहां लिखा हुआ है खारकोव में तो मैक्सिमम दिस इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय रशिया फर्स्ट मेजर सिटी encircling the port ऑफ मारियोपोल ये देखिए मारियोपोल डोनेट्स का पार्ट है ये देखिए, मारियोपोल ये बहुत याद रखिएगा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट सी पोर्ट अपॉन सी ऑफ एजोब क्या सी ऑफ एजोब देखा है आपने असली में नहीं बोल रहा है में बोल रहे हैं ये देखिए सी ऑफ एजोब यू कैन सी टेयर जस्ट क्रीमिया के ऊपर में वहीं पे मारियो पोल करके सी पोर्ट है वेरी इंपॉर्टेंट यूक्रेन का सी पोर्ट ये देखिए सो so इसमें इस न्यूज में, इस में क्या बताया जाए कुछ न्यूज ही नहीं है इसमें इन्वेजन चल रहा है एंड स्टिल एंड द वर्ल्ड इज कंडेमिंग द एक्शन ऑफ रशिया बट स्टिल नो एक्शन फ्रॉम रशियन साइड टू रिड्यूस इट नेक्स्ट इंडियंस टोल टू रश फ्रॉम वार हिट खार्कोव एंड इंडियन 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 डायस्पोरा इज फेसिंग इंडियन डायस्पोरा एंड द इंडियन स्टूडेंट्स ठीक है आर फेसिंग प्रॉब्लम आउट देर डू यू एग्री टेलमी स्टूडेंट्स आर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम जीएस पेपर टू का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में इंडियन डायस्पोरा ये देखिए इंडियन डायस्पोरा चैलेंजेस इन द वर्ल्ड क्या ये आप लिंक कीजिएगा यूक्रेन का न्यूज यस ये देखिए स्टूडेंट्स ये लिंक कीजिएगा न्यूज इंडियन डायस्पोराज फेसिंग चैलेंजेस आउट है ठीक है तो बस यहां से बस हेडिंग इज इंपॉर्टेंट नथिंग एल्स आउट हियर ठीक है नेक्स्ट इंडिया इज नेचुरल लीडर ऑफ क्वाड इन द इंडो पैसिफिक ठीक है अब यह ऑस्ट्रेलिया कह रहा है और यूएस कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और यूएस का बात मानने का नहीं ठीक है क्योंकि बोथ कंट्रीज मीन्स बोथ कंट्रीज दे हैव फॉर्म्ड अ सेपरेट ग्रुप ए यूके यूएस एंड देन आर सेइंग इंडिया इज दिस इंडिया इज दैट क्वाड इज दिस क्वाड इज दैट मिलन मिलन एक्सरसाइज अभी जस्ट खत्म हुआ मिलन 2022 मिलन 2022 जस्ट खत्म हुआ है. क्या ये नेवी का नेवी का नेवी ऑफ वेरियस कंट्रीज का क्या ये जॉइंट एक्सरसाइज होता है टेनवी स्टूडेंट्स ये देखिए एंड ऑस्ट्रेलिया मिलन का सक्सेस शायद 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया मिलन का सक्सेस ये सिग्निफाई करता है इंडिया इज लीडर ऑफ द इंडो पैसिफिक ये देखिए इंडियन नेवी ये कहां पे फिनिश uh, हुआ विशाखा में दिस मिलन एक्सरसाइज वाज कंप्लीटेड ये देखिए सो यू कैन ये देखिए द एक्सरसाइज मिलन सॉरी सॉरी इट इंक्लूडेड 14 14 कंट्रीज देखिए इस बार ये देखिए 14 कंट्रीज टू पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया ठीक है एंड मिलन में बता दूं मिलन जब शुरू किया गया था तब इंडिया के अलावा केवल चार कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, था 1996 की बात है देख लीजिएगा ठीक आई हैव दिस टॉपिक नेक्स्ट न्यूज जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन में वॉटर क्लस्टर एंड रशिया अगेंस्ट यूक्रेनियंस क्लस्टर बॉम्ब क्लस्टर बम मीनस एक साथ बम का समूह कहीं पे गिरा देना तो क्या इससे स्कैटरिंग होती है बॉम्ब्स की यस yes. क्या इसे एक साथ दस बारह अटैक्स होते हैं बॉम्ब्स के यस एंड यही इस्तेमाल किया है क्लस्टर बॉम्ब्स क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किया है एंड थर्मोबैरिक वेपन इस्तेमाल किया रशिया ने यूक्रेनियंस के ऊपर व्हाट आर दिस टू लेट्स इज देयर अ ट्रीटी फॉर द सेम लेट्स सी स्टूडेंट्स तो ये देखिए व्हाट आर क्लस्टर म्यूनिशन अकॉर्डिंग टू 2008 थाउजेंड एट क्लस्टर म्यूनिशंस क्लस्टर म्यूनिशन ये देखिए मीनस अ कन्वेंशनल म्यूनिशन दैट इज डिजाइन टू डिस्पर्स और रिलीज एक्सप्लोसिव सब म्यूनिशन ईच वइंग लेस देन ट्वेंटी केजीज एंड इंक्लूड्स दोस्प्लोसिव सब म्यूनिशन ये देखिए इन शॉर्ट स्कैटरिंग 20 के से कम बम का वेट रहेगा और एक साथ बहुत सारे डिस्पर्स होंगे उस जगह पे खारकोव हो या कोई सिटी हो एक साथ रिलीज किया जाएगा एंड uh, <coughs> यह सब वैक्यूम बम पढ़ने वाला नॉइट टू वरी ठीक है एसेंशियली क्लस्टर म्यूनिशंस आर नॉन वेपन्स नॉन दे आर नॉन एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ रिलीज किया ही नहीं जाता है, ये किया जाता है। एक साथ बिखेर दिया जाता है एक जगह पे। क्या इससे सिविलियंस की डिजाइन टू इंजर और किल ह्यूमन ये देखिए ओवर लार्ज एरिया एंड टू डिस्ट्रॉय व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रनवेज रेलवे और पावर ट्रांसमिशन लाइन दे आर नॉट एक्यूरेट दे आर स्कैटर्ड एंड दे लीड टू द किलिंग ऑफ सिविलियंस स्टूडेंट्स और यही तो वजह है कि क्लस्टर म्यूनिशंस क्यों इस्तेमाल किया गया जब आप कह रहे हैं कि आपको डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना है तो आपने सिविलियंस क्लस्टर म्यूनिशन का मतलब ही होता है सिविलियंस मारे जाएंगे उसमें वाई डिड यू यूज इट यू आर रशिया तो ये देखिए दे कैन बी ड्रॉप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और लॉन्च इन अ प्रोजेक्टाइल डेट स्पिन इन फ्लाइट स्कैटरिंग मेनी बॉम्बलेट्स एज इट ट्रेवल्स लॉन्च किया गया अपने रस्ते में ही पूरा इधर बाएं दाएं बाएं दाएं दाए, रिलीज करता जाएगा बॉम्ब्स जब तक कि वो आ, एंड नहीं होगा उसका प्रोजेक्टाइल पाथ का तब तक रिलीज करता जाएगा और जितने लोग रास्ते में आएंगे जितनी चीजें आएंगी सब तबाह डिस्ट्रॉयड देखिए एंड लेट सी मेनी ऑफ दीज बॉम्बलेट्स एंड अप नॉट एक्सप्लोडिंग बट कंटिन्यू टू लाई ऑन द ग्राउंड ऑफन पार्शियली पार्शली और फुली हिडन

ट क्लस्टर म्यूनिशन अनएक्सप्लोडेड सब म्यूनिशन एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स ये सब कवर किया गया कि इसको रिमूव करना उस देश की जिम्मेवारी है जिसने इसे रिलीज किया है बहुत डेंजरस है एंड uh, सोचिए इसी वजह से सिविलियंस की डेथ हुई है इसी वजह से आपने देखा होगा यूक्रेन के इमेजेस आ रहे हैं जिसमें कि बिल्डिंग्स है वो क्लस्टर म्यूनिशन का ही बॉम्ब था एंड वोट इज अ थर्मोबैरिक वेपन थर्मोबैरिक वेपन ऑल्सो नोन एज एरोसॉल्व बॉम्ब और फ्यूएल एयर एक्सप्लोसिव और वैक्यूम बॉम्ब यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर अ लार्ज हाई टेम्परेचर ब्लास्ट ऑक्सीजन सक करते हैं एयर से ठीक है सडन क्रिएटिंग अ वैक्यूम इन दैट रीजन अ थर्मोबैरिक वेपन कॉज एज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर डेवास्टेशन देन अ कन्वेंशनल बॉम्ब ऑफ कंपरेबल साइज यही इस्तेमाल किया वैक्यूम बॉम्ब इस्तेमाल किया है रशिया ने सेकंड टाइप ऑफ बॉम्ब यहां पे इसको थर्मोबैरिक वेपन भी कहते हैं इसको एरोसॉल बॉम्ब भी कहते हैं इसको फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहते हैं ये देखिए द वेपन्स विच गो ऑफ इन टू सेपरेट स्टेजेस कैन बी फायर्ड एज रॉकेट्स फ्रॉम टैंक माउंटेड लॉन्चर्स और ड्रॉप फ्रॉम एयरक्राफ्ट यह बॉम्ब या तो आप टैंक से लॉन्च कर सकते हैं या एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर सकते हैं एज द हिट द्लोजन स्प्लिट्स ओपन द बॉम्सर पहला एक्सप्लोजन रिलीजिंग अ क्लाउड ऑफ फ्यूएल एंड मेटल पार्टिकल ओवर द लार्ज एरिया अ वेरी लार्ज एरिया इज एफेक्टेड यह पहला एक्सप्लोजन होता है इसका ठीक है एंड सेकेंड एक्सप्लोजन इट सक्स द एयर एंड एक्सप्लोड लाउडली They are causing massive damage in the surroundings. So this thermobaric weapon and uh, thermobaric weapon, ya vacuum bomb is Tamal hai. This is also dangerous. Cluster munition is dangerous. Dono ka istamal, kiya hai, Ukraine maybe. Russia has used this in U Ukraine. Is it legal to use these weapons? Countries that have ratified ratification Convention on Cluster Munitions, ye dekhi, are prohibited from using cluster bombs. एज ऑफ डेट देयर आर वन 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 जीरो स्टेट पार्टी टू द कन्वेंशन एंड थर्टीन अदर कंट्रीज साइंडफाई रेटिफाई का मतलब क्या होता है अपने पार्लियामेंट में पास करवाना साइन करने के बाद भी इंटरनेशनल ट्रिटी को साइन किया जाता है उसके बाद द गवर्नमेंट कम्स एंड रेटिफाइज इन द पार्लियामेंट टेलमी वन थिंग क्या सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कोई आर्टिकल है जिसमें इंटरनेशनल ट्रिटी को लेकर सेंटर को पावर दिए गए हैं दिस सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए जब इंडिया सिग्नेटरी बनता है और आके रेटिफाई करता है इट कैन इट कैन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज देर कैन बी अ चेंज इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस आपने देखा होगा कौन सा आर्टिकल है बताइए मुझे चैटबॉक्स में एंड नीदर रशिया नॉर यूक्रेन आर द सिग्नेटरीज ऑफ दिस क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन ये देखिए वैक्यूम बॉम्ब्स आर नॉट प्रोहिबिटेड बाई एनी इंटरनेशनल लॉ आज तक कवर नहीं है केवल क्लस्टर म्यूनिशन कवर्ड है और एग्रीमेंट बट दे आर यूज अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन इन अप एरियाज स्कूल्स और हॉस्पिटल्स कुड़ अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन द बीबीसी अट्रैक्ट एक्शन अंडर दन्वेंशन ऑफ एटीन नाइन नाइन एंड नाइनटीन नॉट तो वैक्यूम बॉम्स कवर नहीं होते हैं कोई उनपे सेपरेट अलग से इंटरनेशनल लॉ या ट्रिटी नहीं है लेकिन क्लस्टर म्यूनिशन पे ट्रीटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आइए देखते हैं क्लस्टर म्यूनिशन को लेकर क्या ट्रीटी का नाम क्या है और ये ट्रीटी में क्या दिया हुआ है लेट सी द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन प्रोहिबिट्स अंडर एनी द यूज डेवलपमेंट प्रोडक्शन एक्विजिशन स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन एज वेल एज द असिस्टेंस और एनकरेजमेंट ऑफ एनी वन टू एनगेज इन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज अ क्लस्टर म्यूनिशन इज अ वेपन कंसिस्टिंग ऑफ अ कंटेनर और अ डिस्पेंसर ए कंटेनर फ्रॉम विच मेनी Bombs, your bomblets are scattered over wide areas. And the convention provides a comprehensive international response to the suffering caused by the use of cluster munition and and this convention came into force in 2010. Why Afghanistan may use so thermobaric weapon and this cluster munition munitiona thermobaric weapon is not covered till now in any treaty. सो so, यहां से प्रिलिम्स का सवाल निकल सकता है स्टूडेंट्स कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन के ऊपर मेंस के लिए कोई सवाल नहीं आएगा में सवाल निकल सकता है व्हाट इज अ थर्मोबेरिक वेपन व्हाट इज अ वैक्यूम बॉम्ब एंड दिस व्हाट इज द क्लस्टर म्यूनिशन दैट इट ठीक है एंड लेट सी द नेक्स्ट टॉपिक डब्ल्यू एच ओ पैंडमिक ट्रीटेड टू प्रिवेंट फ्यूचर ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर्स ठीक है ये आर्टिकल दो सौ तिरपन देख लीजिएगा एक बार ठीक है तो आइए देखते डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या ये कुछ है भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट तो करता है ठीक है एंड इसकी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यस तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीट करता है एंड डिसीजन लेता है ये देखिए और वही डिसीजन फिर आर डिसीजन डब्ल्यू एच ओ तो जब से कोविड आया उसके बाद से एक ट्रीटी डब्ल्यू एच ओ बारे रहा है ट्रीटी साइन करना जरूरी है पैंडेमिक की ट्रीटी टू प्रिवेंट फ्यूचर ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर्स टेल मी वन थिंग इज राइट इन दिस मुझे बताइए स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सही कह रहा है कि आ, सारे कंट्रीज को कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए आ, दिस वाइल्ड वाइल्ड लाइफ मार्केट बैन करने चाहिए जिससे कि जिससे कि ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर फ्यूचर में न आ सके एंड दिस ट्रीटी विल हैव टू बी साइंड बाई ऑल द कंट्रीज और यही ट्रीटी के बारे में डिस्कशन करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विच इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यू एच ओ ने कन्वीन किया था मीटिंग रिसेंटली फरवरी में ये देखिए तो आइए देखते द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यू एच ओ हेल्ड द फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोसिएशन टुवर्ड्स द पेंडेमिक ट्रीटी ऑन फेफ ट्वेंटी फोर टू जीरो टू टू मीटिंग वॉज एम्ड मीटिंग क्यों हो रहा है ठीक है ध्यान दीजिएगा मीटिंग वॉज एम्ड ऑन एग्री ऑन वे वर्किंग एंड टाइम लाइन और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट फर्दर पेंडेमिक एंड टू गिव दंट्रीज सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक है जिससे की जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रिटीज आई थी वैसे आई कुछ सो वट इज द पेंडेमिक ट्रिटी इन डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एग्रीड स्टार्ट अ ग्लोबल प्रोसेस टू ड्राफ्ट द पेंडेमिक ट्रीटी ये देखिए द नीड फॉर एन अपडेटेड सेट ऑफ रूल्स वॉज फेल्ट आफ्टर द कोविड पैंडेमिक एक्सपोज द्लोबल आई होप यू एग्री द पेंडेमिक ट्रीटी जो अभी डिस्कशन में चल रहा है उसको लेकर चाइना इज नॉट सो दिस हैप्पी चाइना कह रहा है यह दिक्कत की बात है क्यों यूरोपियन यूनियन भी हैप्पी नहीं है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ के मार्केट भी बैन किए जाने चाहिए ट्रीटी में चाइना कह रहा है ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग ठीक है तो ये देखिए द पेंडेमिक ट्रीटी इज एक्सपेक्टेड टू कवर एस्पेक्ट लाइक डेटा शेयरिंग डेटा शेयरिंग अगर आपके देश में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो आप शेयर कीजिए जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ एमर्जिंग वायरसेस ये देखिए अगर जीनोम सिक्वेंसिंग किया है अपने वायरस का शेयर कीजिए डेटा छिपा के मत रखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन ड्रग्स एंड रिलेटेड रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड इसमें यूरोपियन यूनियन कह रहा है बैन ऑन वाइल्ड लाइफ मार्केट ऑल्सो ये देखिए चाइना कह रहा है यह चिंता की बात है यूरोपियन यूनियन से पूछा गया आप क्यों कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन कह रहा है तो लैब से निकला है तो लैब तो आ ही गया इसके अंदर डेटा शेयरिंग में या तो वाइल्ड लाइफ मार्केट से निकला है तो वाइल्ड लाइफ मार्केट पर बैन लगा दिया जाए क्या दिक्कत है इसमें यह देखिए सो देअर आर कंसर्न ठीक है दू वट्स द ट्रेड टू बी लीगली बाइंडिंग द यूएस ब्राजील एंड इंडिया है सेम तो लीगैलिटी क्या रहेगी बाइंडिंग रहेगा नहीं रहेगा इसको लेकर अभी डिस्कशन चल रहा है मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं बिकॉज इन द प्रिलिम्स माइट कम अप अपट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये देखिए द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यू एच ओ याद रखिएगा इट इज अटेंडेड बाई डेलीगेशन फ्रॉम ऑल डब्ल्यू एच ओ में स्टेट्स एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर बाय्जीक्यूटिव बोर्ड डब्ल्यू एच ए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यू एच ओ इना सो गवर्नेंस एट डब्ल्यू एच ओ टेक्स प्लेस थ्रू वर्ल्ड असेंबली और इसी के समिट्स होते हैं विच इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड गिव्स एफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये देखिए यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन लेता है डिसीजन टेकर ठीक है ज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डब्ल्यू एच ओ यद रखिएगा स्टूडेंट इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बात समझ में आ रही है यहीं से प्रिलिम्स का सवाल आता है कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डब्ल्यू एच ओ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यू एच ओ ट्रू स्टेटमेंट इट्स डिसीजन पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाई द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द Yes, तो मीटिंग होगा अगस्त में बुलाया गया देखिए दोबारा मीटिंग देखा जाए कि अब अगस्त में फिर दिसंबर में चाइना इज पोस्टोनिंग एट एन ऑल दैट मीन बहुत डिस्कशन चल रही है देखिए अब प्रोग्रेस रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी सिक्स वर्ल्ड असेंबली इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये देखिए क्लियर

प्लास्टिक कर्ब करने के लिए एक कन्वेंशन और उस उसमें पेनाल्टीज इज अ प्रोटोकॉल इज गोइंग टू कम अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एडहरेंस टू द ब्लू प्रिंट लेड आउट इन मैंडेट विल द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज इन द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ये देखिए सो यू एन की समिट ये देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 1972 में ये बनाया गया ये देखिए अभी हम लोगों ने 2 डेज बैक पढ़ा था इसको ठीक है नैरोबी कीनिया में हेड ये देखिए इट वाज फाउंडेड इन 1972 uh, as a result of स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये देखिए यूएनईपी इसका सबसे बड़ा रोल आज तक रहा है इट हैज फॉर्म द आईपीसीसी सुना है आपने आईपीसीसी के बारे में टेल मी स्टूडेंट्स तो यही तो बात है दैट अब प्लास्टिक ट्रीटी भी आने वाला है एंड इट विल बी अ बिग सक्सेस फॉर यू प्लास्टिक प्रोडक्शन ऐसे ही सोर कर गया फ्रॉम टू मिलियन टन टू थ्री फोर्टी एट मिलियन टन इन सेवेंटी ईयर दो मिलियन टन उन्नीस सौ पचास में प्लास्टिक प्रोडक्शन था आज ये थ्री फोर्टी एट मिलियन टन है बिकमिंग अ ग्लोबल इंडस्ट्री ये डबल हो जाएगा प्लास्टिक प्रोडक्शन बाई टू थाउजेंड फोर्टी एंड प्लास्टिक्स आर दे कार्सिनोजेनिक येस सेकेंड पॉइंट आर प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल यस ये देखिए डू दे एक्मुलेट इन एनवायरमेंट यस ये देखिए बायो एक्मुलेशन एंड डू दे कम अप इन द फूड चेन यस ये देखिए डू दे कॉज डू दे बिकम माइक्रो प्लास्टिक्स इन साइड द बॉडी यस ये देखिए और कहा जा रहा है बाई टू थाउजेंड फोर्टी नाइन द नंबर ऑफ प्लास्टिक्स इन द ओशन विल बी मोर देन द नंबर ऑफ फिशर्स ये देखिए आप मछली पकड़ने गए ठीक है टूरिज्म करने गए और आपने मछली का जाल डाला वहां पे आप उठाए सारा प्लास्टिक सामने आपके हाथ में तो लेट सी दैट क्या ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए ट्रीटी जो लाई गई है क्या ये सफल होगा कि नहीं इंप्लीमेंटेशन बहुत ही बहुत ही परेशानी भरा रहेगा बट स्टिल द सक्सेस इज दैट एटलीस्ट एवरी कंट्रीज ऑन द सेम पेज इन सच सिनारियो सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी सफलता की बात पता है क्या इसके बारे में यूएस कॉन्फ्लिक कंफ्लिक, कंफ्लिक, से कंफ्लिक्ट उसमें जनरल असेंबली में प्रॉब्लम्स सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉब्लम्स ठीक है उसके बीच में एक ट्रीटी साइन करने दे सारे देश के लोग वहां जमा हो गए बड़ी बात है इट्स अग अचीवमेंट इन सच कंडीशन देखिए और स्टूडेंट्स अभी इसके ऊपर अभी इसके ऊपर न्यूज दिस इसके ऊपर एडिटोरियल्स आएंगे कमिंग डेज में हम लोग पढ़ेंगे इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जीएस पेपर थे इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कंफ्लिक्ट रशिया यूक्रेन सीन टू इन्फ्लेट फाइनेंशियली ट्वेंटी थ्री फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल ये देखिए

तो ये बताइए क्या इंडिया इंपोर्ट करता है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स एनपीके के टेलमी नाइट्रोजनस पोटैश टेलमी एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट ये देखिए ये अमोनिया पोटैश एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट ये देखिए डी ए पी एंड म्यूरिएट ऑफ पोटैश ये सब इंडिया इंपोर्ट करता है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सेशन में मैंने बताया था ये देखिए स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात है ठीक है रशिया यूक्रेन वॉर विल मेक द गवर्नमेंट एफर्ट टू रीन इन रन अवे फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल हार्डर क्या इन इन फर्टिलाइजर पे क्या सब्सिडी दिया जाता है यस yes. सब्सिडी देने का मतलब क्या होता है ये फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते समय महंगे आते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक हजार रुपए का आया सब्सिडी देने का मतलब है दट फार्मर्स को यह मिलेगा सौ रुपए में तो क्या यह नौ सौ रुपए का घाटा में ब... बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्या ये नौ सौ रुपए का लॉस कौन से रहा है इज इट बींग फेस्ड बाय द गवर्नमेंट टेल मी यस ये देखिए और अगर ये सरकार फेस कर रही है स्टूडेंट्स तो क्या उसका फिजिकल डेफिसिट राइज कर रहा है मुझे बताइए फिजिकल डेफिसिट यस yes. यस yes. अब और बढ़ेगा दाम क्यों दाम बढ़ेगा ध्यान दीजिए है यहां लिखा हुआ है दिस इंडिया इंपोर्ट इट्स एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइव मिलियन टन ऑफ म्यूरिएट ऑफ पोटैश पोटैश फर्टिलाइजर ठीक है एम ओ पी आ सकता है वॉट इज एम ओपी म्यूरिएट ऑफ पोटैश फर्टिलाइजर फाइव मिलियन टन इंपोर्ट करता है इंडिया ठीक है एटीन परसेंट इज फ्रॉम बेलारूस ये देखिए एटीन परसेंट इज फॉर बेलारूस एंड दिस वहीं से यह इंडिया इंपोर्ट करता है एम ओ पी ये देखिए एटीन परसेंट फ्रॉम बेलारूस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए जो यूरिया इंपोर्ट करता है इंडिया यूरिया उसमें टेन परसेंट फ्रॉम यूक्रेन ये देखिए यूक्रेन ये बेलारूस बेलारूस टेल मी क्या बेलारूस भी है इस वॉर में इनडायरेक्ट तरीके से यस क्या यूक्रेन पे तो वॉर चल ही रहा है ये देखिए यूरिया वहां से टेन परसेंट ऑफ इंडिया यूरिया इंपोर्ट कम फ्रॉम यूक्रेन ठीक है थर्ड पॉइंट क्या क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़ गए वर्ल्ड में मुझे बताइए क्या लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़ गए वर्ल्ड में एंड क्या यही नेचुरल गैस पर डिपेंड करता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मुझे बताइए ये देखिए अल्टीमेटली द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज बेस्ड अपॉन दिस नेचुरल गैस इंडस्ट्री ओनली एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल यानी क्रूड ऑयल इंडस्ट्री से ही जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसी से फर्टिलाइजर बनता है नाइट्रोजन ये देखिए नेपथा निकलता है वहां से उसी से बनता है फर्टिलाइजर इन शॉर्ट दाम बढ़ने वाला है ये तो फिक्स है जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा इसका दाम बढ़ेगा नेचुरल गैस का दाम बढ़ेगा इसका दाम बढ़ेगा बेलारूस से यूनिट ऑफ पोटैश इंपोर्ट करेंगे दाम बढ़ेगा क्योंकि इंपैक्ट इंपैक्ट होगा इंपोर्ट्स पे एंड यूक्रेन से तो पूरा इंपैक्ट हो गया इन सच सिनारियो इन सच सीनारियो इज है लुक एक और डेटा दिया हुआ है

इंपोर्टेड डाई अमोनियम फॉरफेट प्राइसेज आर राइजिंग स्टडनी गवर्नमेंट बिल इज गोइंग टू राइज अप इन फर्टिलाइजर्स दिखा रहा हैचुरैस बेस्ड प्लांट्स है फर्टिलाइजर प्लांट्स इंडिया में दे यूज नेचुरल गैस एज ठीक है आपने सुना होगा एक पाइपलाइन गैस पाइपलाइन हजीरा बीजापुर जगदीशपुर थोड़ा देखिएगा उस हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन के ऊपर हजीरा इज इन गुजरात बीजापुर विजयपुर इज इन आ, दिस मध्य प्रदेश जगदीशपुर इज इन उत्तर प्रदेश देखिएगा हजीरा पाइपलाइन पे कितने सारे नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आप देखिएगा सो दिस इज इट अब आप कहिएगा सर ठीक है इस न्यूज को कहां लिंक करेंगे एग्रीकल्चर इज इट गोइंग टू इन्फ्लेट द एग्रीकल्चर फूड द फूड प्राइसेस टेंड यस Is it going to make agriculture costly? Tell me students, yes. Is it going to increase the fiscal deficit of the government? Yes. And ultimately, is it going to impact the fertilizer inputs in the fields? Yes. अब क्या रास्ता है सरकार के पास? या तो दाम बढ़ा दे मार्केट में. दाम बढ़ाएगी तो फूड प्रोडक्ट से दाम बढ़ेगा. दूसरा रास्ता है दाम बढ़ रहा है ग्लोबल पे लेवल पे सubsidies बढ़ा दे. जिससे कि prices में जरा भी change ना हो. अब ऐसे केस में सरकार का फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा सरकार का बर्डन बढ़ने वाला है दैट्स इट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट सो फर्टिलाइजर इज गेटिंग इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन प्रिलेम्स के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स इंडिया कहां कहां से करता है यूक्रेन से भी और बेलारूस से भी देखिए हर देश से कुछ ना कुछ इंपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया में ये देखिए ठीक है सो दिस इज इट स्टूडेंट्स फॉर फर्टिलाइजर यहां से प्रेम्स के लिए डेटा निकाल लीजिएगा रेशियो क्या होता है आपको पता है फोर इज टू टू इज टू वन इज द अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ एनपी के अलग बात इंडिया यूजेस इन द रेशियो ऑफ ट्वेंटी जीरो पॉइंट टू ये देखिए ऐसे इस्तेमाल करता है यूरिया इतना इस्तेमाल करता है इंडिया एग्रीकल्चर फील्ड में कि आर्थॉम भी कहता है यार और कोई फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा है क्या ठीक है सो दैट इट स्टूडेंट फॉर दिस दिस फर्टिलाइजर एंड इसके अलावा एक और न्यूज़ है ट्रेड डेफिट वाइडेंस इन फरवरी अगेन इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स ये देखिए तो ये न्यूज़ हम लोग कल देखेंगे विथ रिमेनिंग न्यूज़ ठीक है ट्रेड डेफिसिट को लेकर कुछ खास नहीं है हर महीने का आ रहा है एंड इट हैज वाइड बिकॉज इम्पोर्ट्स हैव क्लाइम्ड अप्यूजली फरवरी में और ध्यान दीजिएगा इम्पोर्ट्स के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्ट क्रूड ऑयल है जितना दाम बढ़ेगा ट्रेड डेफिसिट वाइडन करेगा डू यू एग्री स्टूडेंट ये देखिए ट्रेड डेफिसिट विल वाइडन अप जितना दाम बढ़ेगा क्रूड ऑयल का वो तो बस कुछ नहीं करना है बस क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता जाएगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स का वैल्यू बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा ट्रेड डेफिसिट वाइडन होता जाएगा सो दिस इज इट फर्टिलाइजर ये देखिए फर्टिलाइजर Uh, के ऊपर देख लीजिएगा डेटा एंड ट्रेड डेफिसिट के ऊपर डेटा देख लीजिएगा ठीक है यू प्लास्टिक ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका होमवर्क है ठीक है आज के लिए उसके पहले वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हम लोगों ने पढ़ा उसके पहले वी सॉ क्लस्टर म्यूनिशंस एंड बैरिक वेपन्स बिफोर दैट वी सॉ दिस मिलन टू वी ऑल्सो सॉ दिस जनरल असेंबली

धन्यवाद नमस्कार स्टूडेंट्स विल मीट अगेन एट 9:30 थर्टी ऑन यूपीएससी आर्टिकुलेट अनडमी चैनल तो ये है टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको अपडेट्स मिलेगा और आपको पीडीएफ मिलेगा सेशन का अनएकैडमी अंडर स्कोर अनुराग सिंह सो विद दिस एंड द सेशन नमस्कार जय हिंद